प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विश्वकर्मा योजना को मंजूरी मिल गई है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने इस योजना का जिक्र किया था। विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कौशल वाले लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। 13,000 करोड़ की वित्तीय लागत वाली इस योजना से बुनकरों, सुनारों, लोहारों, कपड़े धोने वालों और नाई समेत पारंपरिक कारीगरों को लाभ मिलेगा। विश्वकर्मा योजना से लगभग 30 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। इस योजना के मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहला स्किलिंग का सपोर्ट, किस तरह से स्किल्स बढ़े, नए प्रकार के टूल्स, नए प्रकार के डिज़ाइन कैपेबिलिटीज, नए प्रकार के जो मार्केट को एक्सेस करने के तरीके हो, उन सब चीज़ों पे ध्यान सबसे पहले। विश्वकर्मा योजना को 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा पूजा के मौके पर लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के तहत नए स्किल्स, टूल्स, क्रेडिट सपोर्ट और मार्केट सपोर्ट दिया जाएगा। योजना के तहत दो तरह की स्किल ट्रेनिंग होगी, बेसिक और एडवांस। ट्रेनिंग के दौरान रोजाना 500 रुपए की स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए सरकार 15,000 रुपए का सपोर्ट देगी।